हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डांसर क्लासेस। हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे एथनोमेथोलॉजी की जो शुरुआत की है गर्फिंकल के दिया हुआ। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द टू कंसेप्ट, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, रिफ्लेक्सिविटी एंड इंडेक्सिकलिटी। ये दोनों कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है गर्फिंकल की जो दिया हुआ। तो मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिविटी का हिंदी जिसको हम कहते हैं प्रतिवर्तिता। प्रतिवर्तिता का जब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तब तो आपको लगेगा कि इसका मतलब क्या हो सकता है। दैट मीन्स दैट जब लोग बातचीत करते हैं, जैसे हम अगर आपके साथ बात कर रहे हैं, सो ऑलरेडी यू हैव एन अजम्पशन अबाउट मी, हाउ माई एक्शन, हाउ माई कम्युनिकेशन, हाउ माई इंटरेक्शन। तो ये जो प्रतिवर्तित है, आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, एक एजम्पशन के हिसाब से एक एक्शन आपके सामने हो रही है। सो दैट मीन्स इट इज एन एक्शन ऑफ दैट एक्टिंग एजेंट टेक्स अपन इटसेल्फ। तो इसका मतलब मैं आपके हिसाब से अपनी बात अपनी तरीके से रखता हूं जो आपकी ऑलरेडी एक एजम्पशन बना हुआ है। तो बेसिकली जब गर्फिंकल के लिए इस बात को करते हैं दैट हाउ पीपुल इंटरेक्शन दे हैव दैट विथ मेंटेनिंग द प्री अजम्पशन। एक वास्तविकता को दिमाग में बना हुआ है, उस वास्तविकता को रख के अपनी एक्शंस को बताते हैं या अपने साथ बात करते हैं, अपनी तरीके से इस तरह बिहेव करते हैं। सो दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव एक्शन इज एन एक्शन where the acting agent takes upon itself. For example, when I say myself, the action is reflexive. क्यों? क्योंकि मैं जो बातचीत कर रहा हूँ, जो आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, वो सामने वाला की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। दैट मीन्स देर इज ए रियलिटी दैट एग्जिस्ट विद दैट इंटरेक्शन विच इज ऑलरेडी प्री अज्यूम्ड। सो जितने भी बातचीत होती है, ज्यादातर जो ह्यूमन इंटरेक्शन होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है, बिकॉज एक प्री एजम्पशन के साथ पहले से बना हुआ एक जो आइडियाज आपके दिमाग में बना हुआ है, उस बेसिस पे उसको आप कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे आपकी कोई जेस्चर से, कोई वर्ड से, उसकी मीनिंग जो सामने वाला एक रियलिटी को समझ के उस बात तरीके से बताता है। सपोज मैं क्लासरूम जाता हूँ पढ़ाने के लिए, तो बच्चों को ऑलरेडी पता है मैं मार्कर यूज करता हूँ, कि मैं चौक यूज करता हूँ, कि मैं पॉइंट वाइज बताता हूँ, कि मैं किसी बुक का नाम लेके बताता हूँ या किसी के रेफरेंस देके बताता हूँ। तो ऑलरेडी उनके पास एक रियलिटी की ऑलरेडी एक विजन है। सो उस हिसाब से उनके इंट्रैक्शन हमारी इंट्रैक्शन होता है। सो दैट मीन्स हमारी जो इंट्रैक्शन है वो कंट्राडिक्टरी तभी होगा जब रिफ्लेक्सिविटी हमारी नॉलेज और बिलीफ ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस होगा। सो दैट मीन्स रिफ्लेक्सिविटी को अगर आप जानेंगे देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेशन एंड माई एक्शन। बट अगर ये कंट्राडिक्टरी होगा दैट मीन्स जब हमारी बिलीफ जो सोच विचार है सामने वाला के एक्शन से डिफरेंट है। तो एथनोमेथोलॉजी जब इस बात को रिलेट करके क्यों कहता है, बिकॉज हम अपनी तरीके से समझने की प्रयास करते हैं बट सामने वाला वो एक अपने अजम्पशंस रखा है हमारे लिए और उस बात को समझने की प्रयास करता है। तो रिसर्चर और जो मास, ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकता है, बट जब हम रिफ्लेक्सिविटी तरीके से जाते हैं सो डिफरेंसेस इज नॉट देयर, रादर इट इज ऑलरेडी अज्यूम्ड। हाँ, ऐसा ही होगा। बट अगर मैं अपनी नॉलेज एज ए रिसर्चर इज गोइंग टू बी डिफरेंट टू द बिलीफ ऑफ द कॉमन, देन देयर वुड बी अ डिफरेंस या कंट्राडिक्शंस। तो ये जो रिफ्लेक्सिव एक्शन होता है, जब आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस नहीं है, एक एक्सटर्नल इश्यूज नहीं है, क्राइसिस नहीं है, तो यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं होती है। अदरवाइज एथनोमेथोलॉजिकली इट इज ऑलवेज बिलीव दैट पीपुल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिफ्लेक्सिविटी मीन्स दैट हाउ यू इंटरप्रेट एज पर प्रीअजम्पशन।
ऑलरेडी अज्यूम्ड बाय योर एक्शंस। तो पहले से जो आप धारणाएं बना हुआ आपकी एक्शन को लेके, उसी तरीके से वो आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपके एक्शन को समझते हैं, आपकी मीनिंग्स को, आपकी हंसी मजाक को, सब चीज को समझते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो आपकी आपके बारे में, आपके एक्शन बारे में एक अवधारणाएं बनाए रखी। फिर जब इंडेक्सिकलिटी की बात करते हैं, जिसको आप हिंदी में कहते हो निर्देशिका, ये इंडेक्सिकलिटी का मीन्स दैट वट एवर वी डू कम्युनिकेट और गिव जेस्चर्स, इट इज ए रिलेशनशिप विद सर्टन कंटेक्स्ट, एक कंटेक्चुअल रियलिटी है। जिस कंटेक्स्ट में, जिस अवस्था में, जिस परिस्थिति में हो, उस कंटेक्स्ट के साथ आपके जेस्चर्स, आपके सेंस, आपके वर्ड्स, वो एक इंटरेक्शन के माध्यम बन जाते हैं। सो इट इज नॉट अबाउट प्री अज्यूम्ड, इट इज अबाउट द सिंबॉलिक इंटरेक्शंस, बट दैट सिंबल्स हैज ए मीनिंग विद दैट कॉन्टेक्स्ट। तो किस कॉन्टेक्स्ट में वो सिंबल की मीनिंग हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अगर हाथ उठा रहे हो, दोनों हाथ को, दोनों हाथ के उठाना मतलब आपके हाथ में आपकी जो आइडियाज है वो क्रिकेट फील्ड की दोनों हाथ को उठाने की बात से अलग है। क्रिकेट फील्ड में अगर अंपायर दो हाथ को उठा रहा है, मतलब वो 6 रन की, 6 की एक सिंबॉलिक जेस्चर दे रहा है। तो उस कंटेक्स्ट में उस मीनिंग को एक्सेप्ट किया जाता है, जो यहाँ पे उसकी दोनों हाथ को उठाना मतलब उस दोनों हाथ में कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, इसका मतलब दैट जेस्चर टेल्स अबाउट दैट दैट कॉन्टेक्स्ट, ये एक 6 बनाने की सिंबल देता है। तो हम उसको समझते हैं, उस कंटेक्स्ट में समझते हैं। तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी जो जेस्टर्स, वर्ड्स और जो सिंबल्स होती हैं, सो मोस्टली कंटेक्स्टुअलाइज्ड होती है। सो दैट इज व्हाई पीपल ऑलवेज टेक द मीनिंग कंटेक्स्टुअल, किस कंटेक्स्ट में किस बात को रख रहा है। तो इसमें कोई फिलोसॉफिकल इमेजिनरी बात नहीं होती है, इट इज अबाउट दैट हाउ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट्स डिफरेंट जेस्चर्स, डिफरेंट मीनिंग्स, एंड दैट इज द वे ऑफ इंटरेक्शंस। तो हमारी जो आपस की जो इंटरेक्शन होती है, वो इंटरेक्शन के साथ जुड़े हुए शब्द या जेस्चर्स या जो भी आपके ऑप्शंस है या आपकी जो भी मीनिंग है, उस मीनिंग के साथ वो कॉन्टेक्स्ट जुड़ा हुआ है। तो आप कब हाँ किस चीज में, किस चीज में ना, किस चीज को आप इशारा करते हो, किस चीज को गुस्से में बताते हो, उस कंटेक्स्ट को जानने की जरूरत है। सो अगर हमें ये कंटेक्स्ट को नहीं पता, सो इट वुड बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। अगर हम रियलिटी को पहले से बना हुआ अवधारणा के हिसाब से समझेंगे तो नहीं हो सकता है, बिकॉज हियर द आइडिया हैज अ रिलेशनशिप विथ ए पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। उस कंटेक्स्ट में क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, वो मीनिंग इंपॉर्टेंट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गर्ल्स आर क्लासेस।